सुपरस्टार रजनीकांत 18 अगस्त शुक्रवार देर शाम लखनऊ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर रिलीज हुई है। फिल्म ने थिएटर्स में ताबड़तोड़ ओपनिंग के साथ ही छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। एक तरफ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दर्शकों का सुपरस्टार रजनीकांत को भी प्यार मिल रहा है। दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत भी फिल्म के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो लखनऊ आने के पीछे की बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि सुपरस्टार रजनीकांत उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ अपनी फिल्म देखेंगे। शुक्रवार शाम जब अभिनेता रजनीकांत लखनऊ पहुंचे, तब पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही अपनी फिल्म जेलर देखूंगा। वही कामयाबी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये सब ऊपर वालों की कृपा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रजनीकांत 18 से 20 अगस्त तक यानी 3 दिनों की यूपी यात्रा पर हैं। इस बीच वो अयोध्या काशी मथुरा के मंदिरों में भगवान के दर्शन करेंगे। वही शनिवार यानी आज अभिनेता रजनीकांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं। वहीं बात अगर फिल्म की करे तो उनकी हर फिल्म रिलीज होते ही धमाल मचा देती है। खास बात तो यह है कि 2 साल बाद रजनीकांत की कोई फिल्म रिलीज हुई है। जेलर एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है जिसमें रजनीकांत के साथ शिवराज कुमार, मोहनलाल और जैकी श्रॉफ अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। रजनीकांत की फिल्म जेलर 900 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और रजनीकांत ने फिल्म में जेलर टाइगर की भूमिका निभाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।